नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने, मद निषेध कानून को सरजमी पर सख्ती से लागू करने, भ्रष्टाचार निवारण को जिला स्तर पर निगरानी हेतु उड़न दस्ता का दल गठित करने एवं प्रखंड अंचल एवं थानों में आम जन के काम में लेटल टीफी एवं धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार ने बिहार के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार श्री एस के सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार श्री आमिर सुभानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक सिंह, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री विनय कुमार, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री जितेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि धान की अधिप्राप्ति 23 नवंबर से प्रारंभ करनी है। सामान्यतः धान की कीमत 1865 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने 3,33,000 किसानों का निबंधन किया है। धान की अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 5,198 पैक्स एवं 225 व्यापार मंडल कार्यरत है। धान की अधिप्राप्ति का लक्षण विगत वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक रखा जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर मिलर को चिन्हित करने की जरूरत है। डीआरएम कलेक्शन अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। इस वर्ष सभी मिल एवं गोदाम की जीपीएस मैपिंग होगी। जिला स्तर पर निबंधित किसान का सत्यापन जरूरी है। चावल मिल का सत्यापन नवंबर 2020 तक कर लिया जाए एवं सीएमआर सेंटर दिसंबर के अंत तक खुल जाए। सभी जिलाधिकारी को अति शीघ्र जिला टास्क फोर्स की बैठक करा लेने का निर्देश दिया गया। सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने नल जल योजना के अंतर्गत शेष कार्य कराने हेतु सभी जिलाधिकारी से अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर पुनः विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। खासकर दुकानदारों एवं वाहनों में मास्क की चेकिंग फिर से प्रारंभ करने का निर्देश दिया एवं इसके अलावा इस बैठक में कई विशेष निर्णय लिए गए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। धन्यवाद।